धनबाद में पिछले दिनों हुए व्यवसायी गोलीकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि व्यवसायी गोलीकांड के बाद पुलिस अलर्ट मोड में थी और पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 अपराधियों को पकड़ा है। आपको बता दें कि घटना के बाद से ही एटीएस लगातार एक्शन मोड में थी। एटीएस ने 3 अपराधियों को पकड़ा था, जिसमें से 2 अपराधी जमुई के बताए गए थे, जबकि एक चिरकुंडा का था। वहीं पूछताछ के बाद पता चला कि 4 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि अब तक कुल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम छोटू, रेहान, आतिफ और शाहिल हैं। वहीं धनबाद एसएसपी ने व्यवसायियों को आश्वासन दिया है और कहा है कि भय मुक्त वातावरण बनाया जा रहा है, आप सब खुलकर व्यापार करें। शाम में एक घटना घटित हुई है, जिसमें अपराधियों द्वारा एक व्यवसायी को उनके दुकान में गोली चलाई गई थी, जिसमें व्यवसायी घर में हिल रहा है, छोड़ दी नहीं रहा। इस घटना के बाद पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया गया और पूरी टीम बनाई गई, और अनुसंधान में ये पता चला कि इसमें जो ऑर्गेनाइज गैंग है, जो प्रिंस खान के नाम से चलाया जाता है, इसके अपराधकर्मी शामिल हैं। हम लोगों के द्वारा जब सारी टीम इसमें लगी, तो शुरुआती दौर में जो हमारे साथ एटीएस था, एटीएस के साथ मिलकर के हम लोगों ने 3 अपराधकर्मियों को पकड़ा। ये इनका मोडस ऑपरेंडी था कि ये और घटना को यहाँ अंजाम देने वाले थे। तो सिर्फ एक घटना घटी थी, लेकिन इनके द्वारा जो था सीरीज ऑफ घटना करने का क्या प्लानिंग था, जिस क्रम में हम लोगों ने 3 अपराधकर्मी को पकड़ा था, और ये तीनों अपराधकर्मी घटना कारित करने के लिए आ रहे थे। ये अपराधकर्मी जब जो हमारी पूरी टीम थी, जब इसमें लगी, तो पता चला कि इसमें से 2 अपराधकर्मी जमुई जिले के थे और एक जो मेन जो यहाँ का साजिश जो सारी चीज इनको प्रोवाइड कर रहा था, वो हमारा चिरकुंडा था। तो इन 3 अपराधकर्मियों को जो में गिरफ्तारी हुई, ये 3 अपराधकर्मी राहुल सिंह, पिंटू कुमार महतो और विकास कुमार सिंह, इन तीनों की गिरफ्तारी शुरू में की गई। इनको पकड़ने के क्रम में भागदौड़ हुआ, जिसमें ये लोग ऊपर से कूदे, इसमें किसी को हल्के फुल्के चोटें भी आई हैं पांव, लेकिन पुलिस के द्वारा बहुत ही बहादुरी के साथ इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके जब हम लोगों ने पूछताछ शुरू किया इस घटना के बारे में, तो फिर इनका जो पूरा नेटवर्क था, जो जिसमें ये घटना के में शामिल लोग थे। कोयलांचल में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि आए दिन वहां पर गोलीबारी जैसी घटनाएं अब आम हो गई हैं। अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। व्यवसायी दीपक अग्रवाल गोलीकांड के बाद धनबाद में व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन बंदी का आह्वान किया है। वहीं धनबाद में आउट ऑफ कंट्रोल क्राइम के खिलाफ अनिश्चितकालीन बंदी का असर बाघमारा के सभी इलाकों में दिख रहा है। व्यापारियों पे जो गोली चल रहा है और इस तरह का जो माहौल मैंने क्रिएट हो रहा है, उससे पुलिस प्रशासन के खिलाफ हम लोग बहुत मैंने असंतुष्ट हैं और पूरा धनबाद जिला बंद है। अनिश्चितकालीन के लिए जो धनबाद जिला से हम लोगों को निर्देश मिला है, उस निर्देश को पालन करते हुए कतरास बाजार पूर्ण रूपेण बंदी है। बंदी के लिए हम लोगों को मेहनत नहीं करना पड़ा। जो अखबार में और आप लोगों के माध्यम से जो सूचना आ रहा है जिला का, उस सूचना को, उस आदेश को पालन करते हुए सुबह से ही सारा कतरास बाजार का दुकान बंद है। अभी तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए बंद है, लेकिन फिर जिला का जो निर्देश आएगा उसको हम लोग पूर्ण रूपेण पालन करेंगे। व्यापारियों पर आए दिन जो धमकी वाला पेपर और फोन आता है, उसके विरोध में हम सभी धनबाद जिला के व्यापारी अनिश्चितकाल बंद का आह्वान किए। हमारी मांग यही है कि जब तक अपराधियों पर पुलिस प्रशासन लगाम नहीं कसेगी और ठोस। जमशेदपुर शहर के कलाकारों ने छठ का गीत बहंगी लचक कत जय लॉन्च किया है। साक्षी के एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कलाकार श्वेता सिंह राजपूत, राहुल सिंह राजपूत ने बताया कि छठ पर जमशेदपुर के कलाकारों ने मिलकर बहंगी लचकत जाए गीत को लॉन्च किया है। इसमें श्वेता सिंह राजपूत और राहुल सिंह राजपूत ने आवाज दी है।
प्रेस वार्ता में भोजपुरी एल्बम और फिल्मों के को प्रोड्यूसर राजा ठाकुर ने भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह के व्यवहार पर नाराजगी जताई है। जैसे कि ये बहंगी लश्कर जाए जो अभी आने वाला है, बहुत ही पारंपरिक गाना है जिसे सब सुने, और छठ में जमशेदपुर से ही कोई गाना आ रहा है तो उसको कुछ रिस्पेक्ट दे और गाना को काफ़ी बजाए। जमशेदपुर में होना चाहिए इस तरीके का। कुछ आगे प्रोजेक्ट? आगे बहुत सारा प्रोजेक्ट आने वाला है, जैसे कि एक जिंदगी 0 किलोमीटर का मूवी जो बना रहे हैं राहुल सिंह जी जो हैं और मुकेश जी हैं और श्वेता जी हैं, तीनों मिलकर के जो है और वो सब एक टीम वर्क कर रहे हैं। ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन, और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहाँ अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थी ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ। Visit Wild Wadi Water Park Ranchi। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।